नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान के एक महत्वपूर्ण प्रश्न, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, इस प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। तो देखिए, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं। जीव कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना श्वसन कहलाता है। जीव जंतु की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है, ऑक्सीकरण होना श्वसन कहलाता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं। ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है, यानी ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं तथा ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। इसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऊर्जा निकलती है। अब देखिए, इसका रासायनिक समीकरण किस प्रकार है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, इसका अर्थ हुआ कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और हम देख रहे हैं, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा अर्थात ऊष्मा निकलती है। अब जिस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है अर्थात ऊष्मा निकलती है, उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। श्वसन की इस अपक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, श्वसन की इस अपक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है अर्थात ऊष्मा निकल रही है, इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। इसी कारण जो श्वसन है, सांस लेना है, श्वसन है, एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। नमस्कार, गुड लक।